स्वागत है दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बिग चेंज इन IBPS PO मेंस, अगर आपने देखा होगा तो दो शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों, ये दो शिफ्ट के वजह से आपके दिमाग में बहुत चीज़ चल रहा होगा, ठीक है। तो एक चीज़ है कि देखिए, बहुत लोग प्रिपरेशन पहले से कर रहे होंगे मेंस का। एक हो गया कि आपको ये भी एक माइंडसेट होगा कि अभी एक हफ्ते में भी क्या प्रिपेयर किया जाए, ठीक है, कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो एक मैं देखिए, एक हफ्ते में अगर जो भाई बहन प्रिपेयर नहीं किया, तो आपसे यही कहूँगा कि आप कम से कम 2 से 3 महीना का जितना हो सके एक सोर्स को अच्छे से पढ़ें और रिवाइज़ करें। और जब दो शिफ्ट में होता है ना, तो अनएक्सपेक्टेड है, बहुत अनएक्सपेक्टेड रहेगा आपका कट ऑफ, बहुत अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलेगा आपको। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन तो डेफिनेटली आपका होगा, तो डिपेंड करता है फर्स्ट शिफ्ट टफ होगा ना, सेकेंड शिफ्ट टफ होगा, लेकिन ओवरऑल दोनों शिफ्ट ही एवरेज टफ ही होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें दोस्तों, और ये एक फर्स्ट टाइम है जो देखा जा रहा है कि दो शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा मेंस का। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आपको देखने को मिल सकेगा, इसलिए कह रहा हूँ अगर एक हफ्ता टाइम भी है आपके पास, जितना आप जितना डेडिकेशन से पढ़ाई कर सकते हो कर लो, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, ठीक है। मान लो जो आपका शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ हुआ एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, तो इसके कारण आपका सिलेक्शन चांसेस बहुत हाई हो सकता है दोस्तों। तो एक पॉजिटिव हिसाब से आप लीजिए और मेहनत करते रहिए, ज़्यादा वक्त तो है नहीं आपके पास। तो दोस्तों, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप भी अब ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट।